वेलकम बैक करते हैं और साथ साथ उनको वेलकम कर रहे हैं और अभी ये कुछ परफॉर्म करने वाले हैं। जबरदस्त। अच्छा मैं जानना चाहूंगी जो वहाँ का फोक म्यूजिक है या जिस तरह के आप लोगों का कल्चर है, क्या स्पेशलिटी है उस पे जो आप लोगों को लगता है कि ये हमारे कल्चर की सबसे एक मेन चीज है? ज्यादातर वहाँ पे हमारे उधर फूड भी ज्यादा मशहूर है, पूरा इंटरनेशनल भी आपको पता ही होगा। बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान पूरे दुनिया में फेमस है। फूड है वहाँ का, रक्स है, और सबसे ज्यादा ये जो है एक दूसरे के साथ मिल के रहना। सही है, वहाँ हमारा और वहाँ पे डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं। सही सही सही। जश्न बहारा का जिस तरह से हम लाइक लाहौर में हैं बसंत, इसी तरह बहुत से वहाँ पे अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स होते हैं। और वहाँ तो इंटरनेशनल लोग टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं उन फेस्टिवल्स पे। बिल्कुल, इंटरनेशनल बहुत ज्यादा वहाँ के ना फॉरनर्स बहुत आते हैं। सर्दियों में भी विंटर्स में भी आप वहाँ जाएं तो कहीं ना कहीं म्यूजिक बजता रहता है, कहीं ना कहीं, क्योंकि एक फेस्टिवल्स है। फिर जश्न बहारा, फिर गर्मियों में भी टूरिस्ट आते हैं हमारे जो लोकल, जो हमारे पाकिस्तान इधर पंजाब से या गिलगित वो कराची से बहुत से लोग आते हैं, इस्लामाबाद से, तो बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है क्योंकि हमारे कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। हर किसी का कल्चर अच्छा है, हर किसी का अपना कल्चर अच्छा लगता है, लेकिन हमारे कुछ कल्चर में ना बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। अच्छा अभी तो फ्लूट भी बजा रहे थे, और ये क्या है जो भी आपने प्ले किया है? ये हमारे उधर का फ्लूट आप कह सकते हैं, इसको हम दुतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? दुतिक। दुतिक, अच्छा ठीक है जी। ये दुतिक है, और इसके साथ एक और होता है शहनाई टाइप का, सुरनाई कहते हैं। अच्छा, जब हम ओपन एयर में बैठते हैं तो वो बिल्कुल वो बजाते हैं, क्योंकि दूर दूर तक आवाजें जाती है, बिल्कुल पहाड़ों में गूंज के ना अलग सी खूबसूरती पैदा होती है वहाँ। अरे पहाड़ी इलाके हैं।
गिलगित-बल्तिस्तान। जबरदस्त जबरदस्त। यार साहब आप खुद भी अपने बारे में भी बताएं, किस तरह से आपने इन सबको इकट्ठा किया और आप अब ये एक प्रॉपर ग्रुप की तरह आप लोग परफॉर्म करते हैं? बिल्कुल, एक्चुअली मैं टीचर हूँ। अच्छा। आई एम वर्किंग फॉर लम। ओह लवली। मैं लम्स में मैंने रुबाब सिखाता भी था, तो अब मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट से ए लेवल्स ओ लेवल्स में पढ़ाता हूँ। और मैं हमारा अपना एक यहाँ पे सेटअप है, 3 साल स्टूडियो, तो हम अपना भी काम करते हैं क्योंकि मैं लाहौर में होता हूँ। तो हम मेरे साथ ये छोटा भाई है इस्लाम हबीब, ये भी पढ़ाते ए लेवल्स पढ़ाते म्यूजिक पढ़ाते हैं। मैं हम लाहौर में सेटल हैं। लाहौर में सेटल हैं। और ये मेरे अच्छा आपको डीजे न्याज कहते हैं या न्याज? न्याज हुंजाई है। अच्छा। मेरा जो ऑफिशियल जो नेम है ना फेसबुक पे या फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पे न्याज हुंजाई के नाम से, इंटरनेशनली भी या कहीं पे भी आप कहेंगे न्याज हुंजाई के नाम से। अच्छा न्याज हुंजाई साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि यहाँ पर चूंकि आप लम्स में भी बच्चों को सिखाते हैं, कितना इंटरेस्ट है इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में? क्योंकि आजकल की जनरेशन ज्यादातर गिटार पियानो इन चीजों में है, रुबाब एक बड़ी एक वो कह ले सूदिंग सा एक इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ साथ। बिल्कुल, एक्चुअली मैं तकरीबन 22 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता हूँ, गिटार, फ्लूट्स, वेस्टर्न, पियानो, हर तरह का इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हैं। वेस्टर्न हो, क्लासिकल हो, और इवन हम क्लासिकल भी मैं सीखता हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे ज्यादातर इवन रुबाब जो है पंजाब में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रुबाब पे क्या बजाते हैं। अगर मैं रुबाब पे कोई पंजाबी धुन बजाऊं तो फिर अच्छा लगेगा, फिर आप दोबारा मैं किसी और लैंग्वेज में बजाऊंगा तो वो भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह आप बच्चों को ट्रीट कर। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे हमारे, सही जबरदस्त रुबाब सीखते हैं, हमारे ट्रेडिशन। लवली। चलें जनाब हम इजाजत लेते हैं आपसे और हमारे पास टाइम कम है तो मैं चाहूंगी अभी हम इनको 3 से 4 मिनट दे ताकि हम भी इनका म्यूजिक सुने, आप भी इनका म्यूजिक सुने। आपसे हम इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे को। फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर के नाम से, और इन केस आज का ये इंटरेस्टिंग शो आपने मिस किया है तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा। कल हमारा बेस्ट ऑफ चलेगा 9 से 11 बजे तक, और मंडे को इंशाल्लाह फिर से लाइव शो में आपसे मुलाकात होगी। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज, लेकिन हम न्याज हुंजाई साहब उनके ग्रुप से डेफिनेटली कुछ सुनने वाले हैं।